आप लोगों ने एक बाइकाट अभियान चलाया है, आखिर क्या वजह है? हलाला को लेकर एक अभियान है और कई तरह के आप लोग लगातार हर भारतीय संस्कृति में जो पर्व आते हैं उनको लेकर बाइकाट चलाते हैं, क्या है सर ये? देखिए, इस दिवाली खरीदारी सिर्फ हिंदू प्रतिष्ठानों से, इस दिवाली खरीदारी सिर्फ हिंदू दुकानों से, क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है। भगवान राम जो है रावण पर विजय पाकर जब अयोध्या नगरी आए थे तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। ये हमारे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का त्योहार है, भगवान गणेश का त्योहार है। हम इस त्योहार में ये नहीं चाहते हैं कि हमारी शुद्धता भंग हो। आप समझिएगा कि आज ये विधर्मी जब बाजार के अंदर अपनी दुकानें गोल टोपी वाले लगा के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम दो तरीके से हमारा राष्ट्र दूषित होता है। पहला, आर्थिक तरीके से यह राष्ट्र खंडित होता है, जो रोहिंग्या घुसपैठिए टाइप के लोग जो है सारा पैसा विदेश जाता है, और दूसरा ये कहीं ना कहीं जो है हमारी शुद्धता में जो है खंडन होता है, क्योंकि हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और आप बताइए वो व्यक्ति आके हमें पूजा का सामान देता है जो अभी अभी बकरा काट के आया हुआ होता है, वो व्यक्ति देता है जो अपनी बहन से विवाह करता है, वो व्यक्ति देता है जो यहाँ पे जिहाद करने के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति आता है जो जिसकी कोई शुद्धता है ही नहीं, वो व्यक्ति हमें नसीहत देने लगता है कि इस दिवाली पटाखे ना जलाइए, और वही व्यक्ति अपने त्योहारों में हजारों करोड़ों मासूम जानवरों के खून की नदियां बहा देता है। ठीक है, हमारे होली के त्योहारों पे वो कहता पानी मत बहाइए, लेकिन वही अपने त्योहार में मासूम जानवरों का पानी से ज्यादा खून बहा देता है और प्रदूषण वातावरण और मानवता को तार तार कर देता है। तो ऐसे लोगों से हम खरीदारी बिल्कुल ना करें जो राष्ट्रनिष्ठ ना हो, जो धर्मनिष्ठ ना हो और जो विधर्मी हो, जो इस देश में जनसंख्या बढ़ाकर अपने बच्चों का ये इंतजार करते हैं कि 18 साल का कब होगा और कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का अपमान करके और प्रयोग करके वो वोटों में तब्दील करके इस देश को गजवाए हिंद लागू करेगा। जो पैसा हिंदुओं के जेब से हिंदू फेस्टिवल में जो जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ बम बनाने के काम आता है, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जो है लव जिहाद करने का काम आता है, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जमीन जिहाद करने का काम आता है, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और षड्यंत्र। बात आप समझने का प्रयास करिए कि इसी तर्ज में एक तो हो गए रेडियो पटरी वाले जो विधर्मी है, रोहिंग्या घुसपैठिए गोल्ड टोपी वाले हैं, लेकिन दूसरी कड़ी में आप देखेंगे तो आज लखनऊ का लुल्लू मॉल एक एग्जाम्पल तौर पे है कि जहां पे बिना हलाला मार्क का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद नहीं सकते हैं, हलाला मार्क लगेगा। हलाला मार्क क्या है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हलाला मार्क वो है जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, जब आईएसओ सर्टिफिकेशन कराते हैं तो एक टैक्स देना पड़ता है आपको गवर्नमेंट को, वो प्रमाणिक शुद्धता की प्रमाणिक करता है वो सर्टिफिकेशन। उसी तरीके से ये विधर्मी 57 देश के इन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन को बताया हलाला मार्क और मोटी रकम लेते। रामदेव बाबा के प्रोडक्ट में भी आप अगर खरीदना है लुल्लू मॉल से या और जो इनके स्टोर्स हैं तो वहां पे हलाला मार्क ही मिलेगा आपको। हलाला मार्क का पैसा जाता कहां है? आतंकवादियों को पोषण करने में, पीएफआई जैसी संगठन चलाने में।